ससुराल से लड़की को चार युवकों ने अगवा कर 10,000 रुपए में बेच दिया। मामला हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम खमरिया की परमिला पुत्री राम प्रसाद की शादी सन 2013 में मऊरानीपुर के मनोज कुमार से हुई थी। परमिला ने बताया कि 4 अप्रैल 2017 को उसके ससुराल से चार युवक बोरेलो में रात 2 बजे उठा कर ले गए थे और घर के जेवरात भी निकाल लिए थे। उसके बाद गरीब मलहरा छतरपुर के राजेश साहू पुत्र सुखलाल को 10,000 रुपए में बेच दिया। राजेश ने लड़की को बंधक बनाकर रखा था, उससे सादे कागज में साइन भी करवाए थे। लड़की से कहा कि हमारी कोर्ट मैरिज हो गई है। राजेश लड़की को मारता पीटता था। लड़की ने परेशान होकर एक दिन राजेश को कमरे में बंद कर भाग निकली। लड़की सीधे अपने मायके खमरिया गांव 7 जुलाई 2017 को आई। अब उसने अपने घर में बताया कि उसको 3 महीने से बंधक बनाकर रखा गया था। लड़की के पास 14 जुलाई को राजेश का फोन आया। उसने लड़की से आने के लिए कहा। लड़की के पिता ने चालाकी से राजेश को गांव बुला लिया और 100 नंबर पर फोन कर पुलिस बुला लिया। मौके पर पहुंची 100 नंबर PRV 1226, जिसमें कमांडर राम लखन मिश्रा, सब कमांडर सचिचंद गौतम और चालक शुभकरण ने जाकर अपराधी राजेश साहू को एक बोलेरो के साथ गिरफ्तार कर मोदहा कोतवाली ले आई। राजेश साहू ने बताया कि उसने लड़की को महोबा जिला के श्रीनगर थाने के सिंधौली गांव निवासी रम्मू साहू से 10,000 रुपए में खरीदी थी। पुलिस 4 अपराधियों की तलाश में लग गई है। टॉप न्यूज के लिए हमीरपुर से इकराम रायन की रिपोर्ट। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी जब ये चाचा का लड़का तो अंदर क्यों नहीं आ रहा है? 2-4 बार उसने चक्कर लाया तो मम्मी ने कहा ये चाचा का लड़का नहीं है। फिर ये दूसरी बार 2-3 महीने बाद फिर कांड हुआ। ये मेरे घर में आए थे 4 लोग, ये गाड़ी लगाए खड़े थे बाहर, वो 3 लोग अंदर आए, मेरे नंदी सुनती रही। मेरे हस्बैंड काम करते हैं, वो क्या कहते हैं पावर लूम चलाते, तो थकावट की वजह से उसने पी ली थी। सो मैं पहले सो गई थी, वो बाद में सोए। तो रात में जब चोरी हुई तो मेरे दरवाजे नहीं लगे थे, मतलब अड़के से कुंडी नहीं लगी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं लगाया था, हम सो गए थे। तो मेरी नंद बगल वाले कमरे में, नंद और देवर पड़े थे, मम्मी और पापा बाहर चले गए थे इलाहाबाद। मम्मी की मम्मी खत्म हो गई थी, वो फूल डालने गए थे। जब फूल डालने गए तो वो लोग बोले, मतलब मेरी नंद बोली, वो पहले जब चोरी हुई तो उसने कहा कुछ नहीं सुना, मतलब सुना सब कुछ उसने बताया नहीं। जब सुनने के बाद वो शांत उसे शांति से सुनाई दी, तो उसने आवाज़ फिर लगाई मेरे हस्बैंड का नाम लेके, करे मोनू चोरी हो गई। तो मेरे हस्बैंड दौड़े, तो मैं पेटीकोट और ब्लाउज में थी, तो मैं जैसे ही उठी मैं साड़ी पहनने लगी, तो मेरे हस्बैंड दौड़े, तो मेरे हस्बैंड मेरे नंद के पास गए और वो लोग मेरे कमरे से निकले। उसने मुझे दावा और सीधे गाड़ी में धर के ले आए। गाड़ी में धरने के बाद फिर यहाँ छतरपुर में लाए, छतरपुर में यहाँ क्या कहते हैं तिंदौली में रखकर रात भर वहाँ पर मेरा मांग धुली और क्या कहते हैं बिछी उतारी, सलवार सूट धो ली, डिजिन उतारा, सलवार सूट पर आया, फिर वहाँ पे ले गए कोर्ट, बोलते हैं जाओ वहाँ ले गए। मुझे बाहर रखा, गाड़ी में बैठा करके रखा, 5-6 लोग थे और उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बोले साइन करो। तो वहाँ पे मैंने कहा, वकील के पास गई तो वकील ने सिर्फ साइन लिए, वकील ने मुझे पहुँचा दिया। फिर वो लोगों ने पैसा दिया और जो भी किया इसके पास मुझे रख दिया। कितने साल रखा अपने पास? मुझे इसने इसके पास 3 साल तीन महीने रखा यहाँ छतरपुर पन्ना के यहाँ सतई रोड पे। 3 महीने से वहाँ पे हो? हाँ, 3 महीने रखा। मैं वहाँ से भागने की कोशिश मैंने 2-3 बार की, लेकिन इसने मुझे पैरों के मार मार के रोड में बिछा के मारा। मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन इस बार जब उसने मुझे, मेरे हाथ छूटे थे, इसने मुझे हथौड़ा मारने की कोशिश की, तो मैंने भी उठा लिया। मैंने कहा मार साले मैं भी मारूंगा, तो अंदर घुस गया कुंडी लगा के, तो मैंने बाहर से लगा दी। जैसे मैं उधर से छूट पाई, मैं 3 बजे रात को मैं दौड़ आई, तो मैं सीधा पन्ना से वहाँ से ऐसे ही दौड़ कर आई। दौड़ते दौड़ते फिर मैं नरेनी से बांधा से ऐसे मैं रात में अपनी माँ के पास आई। तो माँ के पास आई तो मेरे पापा ने मुझे अंदर नहीं भेड़ा, क्योंकि ससुराल वालों ने कह दिया था कि ये भग गई है चोरी करके। उन लोगों को यही लग रहा था कि मैं भग गई हूँ। जब मैं ससुराल मैके आई तो मेरे पापा ने तुरंत 100 नंबर बुलाया, पुलिस बुलाई और पकड़वाने की कोशिश की, तो वो बोले कि थाने जाओ। तो मैं मोदा भी आएगी थाने, तो कोई सुना नहीं थी, कह रहे थे यहाँ वहाँ का केस है वहीं जाएगी। तो मैं मऊरानीपुर के वाले सर से, मैंने कहा सर मुझे आप अपने हवाले रख लो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जाना तो मुझे अपने ससुराल जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो मेरे ससुराल वाले बोले कि नहीं हम नहीं रखेंगे, तो तीनों को गिरफ्त में ले लिया। दो तीन घंटे गिरफ्त में रहे, तो मैंने माँ से बोला कि माँ तुम कह दो कि मैं रखूँगी, क्योंकि इसका अंदर बढ़ने से केस का सिर उदाव नहीं होगा। मैंने कहा तुम कह दो कि मैं रखूँगी, तो मैं
वहाँ से दरोगा साहब ने मुझे उसने पैर भी छुए मेरी माँ के, बोले कि नहीं आप जाइए, आप इसे ले जाइए, हमें छोड़िए, आप भी छूटो हमें भी छोड़ो। तो वहाँ से हम जैसे ही निकले तो दरोगा, मैंने कहा मेरी इच्छा हो रही थी, मेरी बच्ची भी है, 2 साल की नहीं हुई अभी, 21 जुलाई को 2 साल की होगी। तो उसने कहा बच्ची भी लेकर आओ, बच्ची मतलब मैंने कहा मुझे बच्ची चाहिए, तो सर बोले कि बच्ची नहीं मिलेगी आपको, अभी आप जब उधर से छूट जाएंगे तभी आप बच्ची। तो मैंने कहा सर मुझे एक नज़र दिखा तो सकते हैं, तो सर ने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ गई तो उन लोगों ने मुझे बच्ची दिखाई और मैं बच्ची देखी, बच्ची को दिया नहीं, दिया नहीं, बोले कि कोर्ट से लेना बच्ची। उन लोगों को ये लग रहा था कि मैं भटके गई हूँ। तो जब मैं बच्ची लेकर आई, दिखाया उन लोगों ने, फिर क्योंकि बच्ची मैं 3 महीने दूर रही, तो मेरी बच्ची मुझे चिन्हती नहीं थी, पहचानती नहीं है। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या मेरे, जब मुझे पहचानती नहीं, वो पापा के पास रहेगी तो ठीक है, कभी ना कभी तो मैं ससुराल जाऊँगी ही। इसको कैसे पकड़वाया आपने, जो आपको बंधक बनाया था ये? मुझे फिर उसने मुझे फ़ोन किया माँ के मोबाइल में, तो मैंने भी बात की, मैंने कहा कि हाँ बोलिए आप तुम कौन हो? तो बोले कि मैं राजेश बोला, मुझे लेने मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मैं यहाँ पे मिलूँगी। फिर पापा ने, जब मेरे पापा ने भी बात की, सब ने बात की, तो ये बोला कि मैं 3 गाड़ी लेके आया हूँ मोदा। ये बोला कि ठीक है मैं आ गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अगर आपको आना है तो आप कमरिया आई। तो बोला नहीं आप अकेले आइए, वो भी सुनसान जगह में आइए, मैं वहाँ से आपको ले लूँगा। तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं आऊँगी। फिर भी इसने कहा आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं अकेले आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं दरवाजे मतलब मैं सड़क में बैठी हूँ, आप सड़क में आ जाओ। इसने मोदा में गाड़ी खड़ी की है और टेम्पू से आ गए यहाँ पे से मुझे लेने। जैसे मुझे लेने आया और मैंने पहले 100 नंबर का फ़ोन कर रखा था, वो पहुँच गई। जैसे वो पहुँचा, जैसे 100 नंबर पहुँच गई, इतने में लोग कहाँ के हैं आप? तो ये लड़की बता रही है आपने किडनैप करके मंगवाया है? कोई दूसरा आपके पास आपको बेच गया? हाँ। कितने में? 10,000। 10,000 रुपये में बेच गया? हाँ। आप इसको जबरदस्ती बंधक बना रहे हैं? नहीं सर, वो मन से हुई। जबरदस्ती? हाँ नहीं सर, मन से हुई। हाँ? नहीं, दूसरी तरफ तो मन है। ये अपने मन से रही है? हाँ। अच्छा, तो कितने महीने रखा है इसको? तो 3.5 महीने। 3.5 महीने। 10,000 रुपये में खरीदा है? किस आदमी से? हाँ, सिलौली गांव, चंदौली गांव। हाँ, अच्छा, तो 10,000 में बेच गए थे तुम्हें? हाँ। कि तुम ही ने मंगवाई थी? नहीं सर, उन्होंने 10,000 बेची और 20 लोग बाहर ही बैठे। कितने लोग थे? 20 लोग अभी यहाँ के हैं, 2 जने हैं यहाँ के, एक चंदौली का। हाँ, एक है यहाँ का पटवार का। अच्छा, तो ये अभी भाग कर आएंगी वहाँ से? हाँ सर, मुझे कमरे बंद कर दिए। हाँ, अभी भाग आई सुबह 3:30 बजे। अच्छा, तो यहाँ फिर आप लेने आए थे इसको जबरदस्ती? नहीं सर, फोन लगा। कितनी गाड़ी लेकर आए थे? हम सर बुकिंग पे गए थे, भरिया से बात की हो रही थी। अच्छा, ये लड़की ये बता रही 3 गाड़ी लेकर आए थे आप, सब साथ में लेकर? चलो ठीक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वर्धमऊ। नाम क्या है? राजेश।